हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी जो पहला काम है मेरा वो है ट्राइपॉड से मोबाइल होल्डर जो पुराना है उसको निकाल के नया लगाना है। तो ओम उसको लगाएगा, क्योंकि जिस काम में जो माहिर है ना उसी को अगर वो काम दिया जाएगा तो वो बहुत अच्छा से कर लेगा। तो पुराना वाला जो मोबाइल होल्डर उसको फेंकूंगी नहीं फ्रेंड्स, मैं उसको रख लूँगी, क्योंकि ओम उसको फेविक्विक दे के अच्छा से चिपका दिया था। तो कभी ना वो भी मतलब काम में आ सकता है, क्योंकि अभी वो अच्छा है हो गया है। थोड़ा सा डर है मोबाइल कहीं गिर जाएगा ना, इस वजह से मैं जो है वो नया लगा दे रही हूँ। तो ओम अभी लगा दिया है और ओम बोल रहा है, मामा जी वो नया जो है बहुत टाइट हो रहा है, इतना फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि नया है ना, इतना यूज़ नहीं हुआ है। तो 8-10 दिन यूज़ करने के बाद वो फिर फ्री हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब इवनिंग का टाइम हो रहा है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक साइड में मैंने चाय बिठा दिया हूँ और एक साइड में छोले आलू उबलने के लिए रख दूँगी, प्रेशर में ही रख दूँगी। होल गर्म मसाला जो है वो अभी डाल दिया और थोड़ा सा नमक, और बस इसको डाल के मैं अभी सीटी लगा दूँगी फ्रेंड्स, और जो चाय बन जाएगा वो चाय कि मैं छत के ऊपर चले जाऊंगी, क्योंकि शाम के टाइम में छत के ऊपर ना खुला हवा खाने के लिए अच्छा लगता है। और थोड़ा मैं वॉकिंग भी कर लेती हूँ। और छोले में ना आलू हम लोग डालते हैं फ्रेंड्स, आप लोग स्किप कीजिएगा। आप लोग सोचे होंगे ना कितना आलू खाते हैं। हमारा घर पे ना आलू कंपलसरी होता है फ्रेंड्स, अगर आलू नहीं है तो कुछ चीज़ भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी चाय जो है वो छान लूँगी कटोरी में, क्योंकि कितना दिन हो गया मैं कटोरी में ही चाय पी रही हूँ। स्वागत है। रियली होगा सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अभी शाम का टाइम हो रहा है और मैंने ना चाय पहले बिठा दिया, चाय जैसे हो गया, छोले भी रख दिया हूँ सीटी लगाने के लिए प्रेशर में, आलू भी डाल दिया और थोड़े खड़े गरम मसाला डाल दिया फ्लेवर के लिए। आज रात का डिनर में छोले बनाऊँगी, तो इसीलिए 4-5 सीटी आने के बाद ना जाके बंद करूँगी। और मैंने कटोरी में चाय लेके आ गई हूँ छत के ऊपर और चाय पीऊँगी, तो थोड़ा वॉकिंग भी मेरा हो जाएगा, उसके अंदर छोले भी बन जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं जब काम करती हूँ ना चारों तरफ देखती हूँ, एक हाथ में जैसे 4-5 काम हो जाएगा इसी हिसाब से काम करती हूँ और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा बस। क्योंकि काम करने का तरीका ना फ्रेंड्स सभी का अलग अलग होता है, और मेरा तरीका आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए, मेरा चाय ठंडा होने से पहले मैं पी लेती हूँ, उसके बाद जाके वॉकिंग करके फिर नीचे। मैं चाय पी के ऊपर में 4-5 राउंड लगा के अभी नीचे आ गई, क्योंकि अगर प्रेशर में सीटी आएगा ना मुझे सुनाई नहीं रहेगा, तो इसीलिए फटाफट 4-5 राउंड लगा के फिर आ गई हूँ। और मम्मी जी को अभी चाय दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं तो चाय पी लिया था और मम्मी जी जब जॉय को लेके घर आए ना, मैं फटाफट छत के ऊपर से उतर आई मम्मी जी को चाय देने के लिए। देखा तो मम्मी जी उधर से चाय पी के आए थे, तो मुझे ना दोबारा चाय पीना पड़ा। तो मैं चाय पी के अभी आटा निकाल रही हूँ गूंढने के लिए, और प्रेशर में ना मेरा 4-5 सीटी हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा सीटी जो है मैं निकाल दे रही हूँ और आटा ले कर बाहर में जा रही हूँ चूल्हा के पास, उधर बैठ के गूंढ लूँगी। और आज का जो हमारा रात का डिनर ना वो चूल्हा पर ही बनेगा, तो इधर आटा गूंद के रख लूँगी और छोले का सब्जी भी चूल्हा पे बना लूँगी। तो मम्मी जी अभी दियाबाती कर रहे हैं और मैं मम्मी जी को बोल रही हूँ, रोटी तो मुझे नहीं आएगा चूल्हा पे बनाना, क्योंकि मैं जब भी रोटी जो चूल्हा पे बनाई हूँ ना, मेरा रोटी क्या होता है काला हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, बिल्कुल फूलता नहीं है। तो मम्मी जी बोले कि नहीं, तो आटा गूंद के रख ले और मैं बना लूँगी। ये देखिए, मैं मम्मी जी के साथ बात कर रही हूँ, क्योंकि रोटी ऐसे एक चीज़ है ना, अगर वो टाइट हो जाए
जाएगा ना, कोई भी खा नहीं सकेंगे। क्योंकि 3-4 बार मैं मिट्टी का चूल्हा में ही ट्राई किया हूँ, लेकिन मेरा एक भी रोटी ना फूलता नहीं है। तो मम्मी जी बोले कि नहीं, मैं बना लूँगी, बस मैंने आटा गूंद के रख लिया हूँ और सब्ज़ी अभी बनाऊँगी। तो सब्ज़ी के लिए जो जो चीज़ चाहिए इधर ला के रेडी कर रही हूँ, और अभी ना भगवान जी को प्रणाम करके चूल्हा लगाऊँगी। जब भी मेरा बारी आता है चूल्हा लगाने के लिए ना, थोड़ा मैं नर्वस फील करती हूँ। अगर चूल्हा सही लग जाए तो खुश हो जाती हूँ, अगर नहीं लगेगा ना तो फिर मैं थोड़ा दुखी हो जाती हूँ। और काफ़ी मेहनत लग जाता है और उधर भी टाइम वेस्ट हो जाता है फ्रेंड्स। और मैं आज जल्दबाजी में हूँ क्योंकि हम पूरे फैमिली ना आज थोड़ा बाहर जाएंगे, और जिस जगह जा रहे वो सालों में ना एक बार ही आता है, इसीलिए मैं रेडी हूँ उधर जाने के लिए। तो इधर देखिए चूल्हा मेरा अच्छा से जल गया, तो मैं खुश होकर ना सब्ज़ी बना रही हूँ। कढ़ाई में तेल डाल दिया था, जीरा जैसे चटक गया, अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट, टमाटर और जितना भी मेरा मेसिक मसाला मतलब पाउडर मसाला है वो डाल दिया हूँ। अच्छा से भून लेंगे फ्रेंड्स। और छोले मसाला भी डाल दिया था। जैसे मसाला अच्छा से मेरा भून गया, तो मैंने आलू को हाथ में क्रस करके डाल रही हूँ। ऐसे अगर आप आलू को हाथ में क्रस करके डालोगे तो जो आपका ग्रेवी ना वो ठीक होगा। तो इधर देखिए मम्मी जी जो है ना वो रोटी बेल रहे, और इधर सब्जी बन मतलब बन जाएगा जब मम्मी जी इधर रोटी सेक लेंगे, तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को। मैं भी ऐसे ही रोटी बनाने के लिए फ्रेंड्स कोशिश करती हूँ। पता नहीं गैस में तो अच्छा से हो जाता है, लेकिन चूल्हा पे क्या होता है, वो जो आग शायद कम हो जाता है या क्या होता है मुझे मालूम नहीं पड़ता है, जो रोटी मेरा ख़राब हो जाता है। और अभी धनिया पत्ता लास्ट में डाल के फिर मैंने ना इधर चिल्ली पाउडर नहीं डाली हूँ, क्योंकि हम लोग जिस सब्ज़ी खाते हैं जौ के लिए मैं वो निकालने के बाद ही जाके मतलब चिल्ली पाउडर डालती हूँ, जौ को वही सब्ज़ी खिलाती हूँ, इसीलिए लास्ट में ही मैं चिल्ली पाउडर डालूँगी। और जो मसाला का डिब्बा वगैरह मैं किचन में ले गई हूँ। और मम्मी जी इधर देखिए रोटियाँ जो है सेक रहे, कितना अच्छा से उनका फूल जाता है। बस मम्मी जी इधर रोटियाँ सेक लेंगे, और जो बर्तन वगैरह चाय का बर्तन वगैरह किचन में है तो उसको मैं धुला दूँगी, तो फटाफट जो है मतलब काम जो है पूरा हो जाएगा। बर्तन धुलाना है, मम्मी जी ना रोटी बना रही है, क्योंकि रोटी जो है ना मैं चूल्हा पे सेक नहीं पाती हूँ, अच्छा से फूलता नहीं मेरे से, इसीलिए मम्मी जी रोटी बना रहे। और जो चाय का बर्तन है, प्रेशर वगैरह है, छोले जो सीटी लगाई थी वो सारे बर्तन मैं अभी धुला देती हूँ। और सोच रही हूँ धनिया पत्ता जो है ना पूरा खराब हो गया है, इसीलिए इधर रखे थे, अगर पत्ता अच्छा निकलेगा तो इसको ना निकाल निकाल के रखूंगी। तो इसको ना एक प्लेट में रख देते हैं। पूरा पत्ता जो है ना वो पक गया है। और साईं मंदिर में आरती होगा ना, मैं आरती थोड़ा देख के आके और एक मतलब सस्पेंड रह गया उसको धुलाऊंगी, क्योंकि पंडित जी ना मंदिर में आ गएंगे। तो चलिए पहले आरती देख के आ जाते हैं। तो अभी आरती वगैरह हो गया है, और मैं जो जाने के लिए ना साड़ी निकाल रही हूँ, कौन सा साड़ी पहन के जाऊँगी, और एक हल्का सा और प्लेन सा साड़ी निकाल रही हूँ, जैसे मैं कंफर्ट होंगी और आराम भी मिलेगा मुझे, तो ये वाला साड़ी निकाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यही पेंट करती हूँ। बाय बाय बाय।